हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम बैक टू एनपीसी एंड यस बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का दैट इज डाइमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन ओके दिस टू पॉइंट्स विल बी कवर इन दिस वीडियो लेक्चर एंड यस yes, अगर आपने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स स्किप किए हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो लेक्चर्स देखिए एरर एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर एंड फिजिकल क्वांटिटी ये थ्री जो बेसिक लेक्चर्स हैं पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन इस वीडियो लेक्चर पर आइए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशन ओके वॉट इज डायमेंशन क्या होता है तो देखो हर एक चीज सिंपल सी बात है उसकी डेफिनेशन से ज़्यादा आपको एक्जाम्पल से समझ में आएगी ठीक है तो डायमेंशन बेसिकली एक पावर होता है जो कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है सिंपल सी बात है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्स ओके टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू प्रेजेंट दैट क्वांटिटी ओके okay, एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा डायमेंशंस क्या है सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं एरिया ठीक है हमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया है एरिया अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड ब्रेथ इज basically a length okay so we can say length multiply by length okay breadth ko bhi hum length consider kar sakte hain kyunki breadth bhi ek type ka length hi hai to length mein length ko multiply kiya humne theek hai means length kya hai hamara fundamental जो seven fundamental base quantities हमने study की हैं उनमें से एक quantity है length, okay. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में प्रेजेंट करना पावर के फॉर्म में प्रेजेंट करना ही डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है ठीक है जैसे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ किया हमने तो यहाँ लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर कर देते हैं हम ओके एंड अगेन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है तो एल इन टू एल मीन्स बेस यहाँ सेम है बेस क्या है सेम है सो पावर एड हो जाती है एल की पावर यहाँ कुछ नहीं है मीन्स वन एंड हियर आल्सो वन सो एल स्क्वायर हो जाएगा और डायमेंशंस को हमेशा इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ए का ठीक है एरिया का अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें क्या डायमेंशनल इक्वेशन तो इक्वेशन का मतलब एल एच एस एंड आर एच एस एल एच एस एंड आर एच एस में जो वेरिएबल्स हैं ठीक है वेरिएबल्स हैं वो दोनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए मीन्स क्या एरिया को हम एल स्क्वायेयर भी लिख सकते हैं और एल स्क्वायर को एरिया भी बोल सकते हैं ठीक है तो एक पर्टिकुलर वे होता है डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का वो किस तरह से देखिए ए फॉर एरिया तो एरिया को हम इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ओके okay, ये जो शो करता है वो डायमेंशन फॉर्मूले को शो करता है ओके एंड यहाँ जनरली एम एल टी के फॉर्म में डायमेंशंस को लिखा जाता है अभी हम देखते हैं एम एल एंड टी तो यहाँ एम की पावर तो कुछ नहीं है मीन्स एम की पावर ज़ीरो होगी एल की पावर टू है सो so एल की पावर टू एंड टी की पावर ज़ीरो कुछ नहीं है मीन्स ज़ीरो तो ये जो पावर टू है इसी को बोलते हैं डायमेंशंस ठीक है इस इक्वेशन को सॉरी इस इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन एंड इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे आप डायमेंशनल फार्मूला ठीक है हमने एरिया लिखा और एरिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो हम बोलेंगे यहाँ हमने डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया है बट अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अब बेसिकली जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके बेसिस पर ही डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव होगा ओके okay, तो वन बाय वन पहले हम सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं ओके सो फर्स्ट हम लेंथ ले लेते हैं लेंथ को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं किससे एल से ओके okay, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है सेकेंड मास मास के लिए कैपिटल एम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ओके थर्ड टाइम सो so टाइम के लिए क्या होगा कैपिटल टी ओके एंड देन फोर्थ टेम्परेचर टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है कैलविन में ओके okay. टेम्परेचर को कैलविन में मेज़र किया जाता है तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल के ओके एंड देन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं और डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ए ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ओके एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला सॉरी यूनिट क्या होता है सी डी ठीक है तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके से मोल में मेजर करते हैं सो एम ओ एल इस तरह से हम सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज बेस्ट क्वांटिटीज जो होती हैं उनको डायमेंशनल फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली ये जो थ्री फर्स्ट थ्री है लेंथ मास एंड टाइम इन्हीं का यूज किया जाता है ठीक है ये अदर क्वांटिटीज जो हैं वो काफ़ी कम यूज़ की जाती है ओके okay. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये तो न के बराबर यूज़ की जाती है टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट ये कभी कभी यूज किया जाता है बट जनरली हम यूज़ करते हैं लेंथ मास एंड टाइम ओके अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे ओके सो लेट्स सी फर्स्ट वन इज एरिया ओके एरिया के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो एरिया के लिए सिंपली हम क्या बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ओके लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और ब्रेथ ही लेंथ है सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओके मीन्स लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में ओके एल मल्टीप्लाई बाई एल सो एल स्क्वायर हो जाएगा ओके okay, तो ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बट अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें तो इक्वेशन के लिए कैपिटल ए को भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा और एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा डायमेंशनल इक्वेशन को ओके सो एम की पावर यहाँ कुछ नहीं है मिन्स ज़ीरो एल square एंड टी पावर जीरो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन Now सेकेंड वन इज वॉल्यूम ओके वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सभी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए देन आप इजीली डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हो ओके यस वॉल्यूम वॉल्यूम को हम कैपिटल बीस से रिप्रजेंट करते हैं एंड वी इज इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट ओके सो बेसिकली ये सभी लेंथ ही है हाइट भी लेंथ है ब्रेथ भी लेंथ है तो यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मीन्स लेंथ का थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ है सो यहाँ एल यूब हो जाएगा दिस so इज

एंड इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम ओके मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम मास के लिए फिजिकल क्वांटिटी एम ठीक है डायमेंशनल फार्मूला एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वॉल्यूम के लिए एल क्यूब सो एल क्यूब सो हियर द डायमेंशनल फॉर्मूला इज़ एम एल क्यूब सॉरी एल क्यूब यहाँ पर पावर माइनस में होगी माइनस थ्री ओके सो द इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंट इन द इन दिस वे एम एल की पावर माइनस थ्री एंड टी पावर जीरो ओके दिस इज़ द मास डेंसिटी नाउ नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी या फिर बोल सकते स्पीड ठीक है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है सो so, हेयर इसे स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड के लिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही है और यहाँ लेंथ के फॉर्म में है सो so, एल हो गया ठीक है लेंथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ एल एंड टाइम के लिए टी ओके सो वी इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस वन यर द डायमेंशनल इक्वेशन इज एम पावर जीरो एल टी पावर माइनस वन ओके ये वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ नाउ एक्सलरेशन सो so, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हम वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जस्ट हमने डिराइव किया सो एल टी पावर माइनस वन अपॉन टाइम के लिए कैपिटल टी सो हियर डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू

हम बात करते हैं फोर्स की ठीक है नेक्स्ट फोर्स सो फोर्स का फार्मूला क्या होगा फोर्स इज इक्वस टू फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से ओके एंड फोर्स इज इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम ओके मास इंटू एक्सेलरेशन सो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एम कैपिटल एम एंड एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू ठीक है पावर माइनस टू सो हियर एम एल टी माइनस टू दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द फोर्स ओके नेक्स्ट वन इज वर्क एंड एनर्जी सेम ही है ठीक है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होगा और इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ठीक है सो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला यहां से एम एल टी माइनस टू एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस ओके मीन्स एल सो हियर एम एल स्क्वेर टी माइनस टू दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वर्क एज वेल एज एनर्जी एनर्जी और वर्क के लिए सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा ओके एंड नेक्स्ट वन इज पार ठीक है पार को हम पी से कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पार का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम वर्क के लिए डायमेंशनल एज इट इज यहाँ से आपको वर्क के लिए फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्क का फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लर्न होना चाहिए और डायरेक्टली आप यहाँ पर वर्क के प्लेस पर यह फार्मूला पुट कर सकते हैं ठीक है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड फॉर टाइम के लिए टी सो so, यहाँ से आपका एम एल स्क्वेर टी पावर वन ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा सो टी पावर माइनस टू एंड माइनस वन माइनस थ्री ओके दिस इज फॉर पार नाउ नाइन मोमेंटम मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके लिए इसे हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मास इन टू वलोसिटी ओके सो मास के लिए कैपिटल एम डायमेंशनल फार्मूला एंड वलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन ओके ये वलोसिटी एक्सलरेशन ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनके डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न होने ही चाहिए ओके सो हियर एम एल टी माइनस वन दिस इज फॉर मोमेंटम ओके नाउ प्रेशर तो सो प्रेशर के लिए प्रेशर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया एरिया ओके सो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपने डेराइव किया है एम एल टी माइनस टू एंड फॉर एरिया इट इज एल स्क्वेयर ओके सो हीयर एम एल एल पावर वन एंड हीयर टू सो वन माइनस टू माइनस वन सो एल पावर माइनस वन एंड टी एज इट इज माइनस टू सो दिस विल बी द डायमेंशनल इक्वेसन और डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर तो ऐसी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अब प्रॉब्लम ये हुई कि आप इन सभी क्वांटिटीज़ को लर्न नहीं कर सकते सभी फॉर्मूले को लर्न नहीं कर सकते तो ये जो मैंने अभी टेन फॉर्मूलेस बताए ये बेसिक है ये बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न कर लेने हैं ठीक है थीके? ये आपको लर्न करना है बाकी अदर क्वांटिटी अदर फ़िजिकल क्वांटिटीज़ के आप डायमेंशनल फार्मूले इजीली डिराइव कर सकते हैं इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है थीके? और वन बाय वन जैसे जैसे चैप्टर में फ़िजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी उसी तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव करना सीख जाएंगे ठीक है क्योंकि हर क्वांटिटी का एक अलग फार्मूला होता है और उस फार्मूले के बेसिस पर आप डायमेंशनल फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं ठीक है सो ये हुआ आपका डायमेंशनल इक्वेशंस फॉर द सम फिजिकल क्वांटिटी अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जिनके थ्रू आप यूनिट्स के कन्वर्जन कर सकते हैं ओके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं तो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच